सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम पूरी बीच। और कल तो हम होटल में आ गए थे और आज सुबह सुबह 6 बजने वाले हैं और पूरी बीच का माहौल दिखाते हैं आपको पहले, उसके बाद आपसे बात करेंगे आगे। ये कुछ सामने अभी पूरा खाली है, बहुत लोग नहीं है। सारा इधर का मार्केट अभी बंद है, ये शाम के टाइम सारा मार्केट खुला हुआ था, तगड़ा वाला माहौल था इधर। ये हमारा पूरी में दूसरा दिन है। इसके पहले वाले दिन में हमने जिस होटल में हमने स्टे करा था, वो होटल को हमने सबसे पहले चेंज करा, बहुत ही बकवास होटल था। और हमारा होटल भी सामने है, जस्ट बीच के पास में, तारा पैलेस। ये बढ़िया है रहने के लिए, एकदम सही है। तो कल हमने जगन्नाथ प्रभु का दर्शन भी करा और थोड़ा वो टाइम हमने बीच में भी स्पेंड करा। और आज हमारा दूसरा दिन है, आज भी हमारा कुछ प्लानिंग है। वो प्लान क्या है वो मैं बताऊँगा आपको बाद में। फिलहाल थोड़ा मॉर्निंग वाइब्स को इन्जॉय करते हैं पूरी का। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे और हल्का हल्का ठंड सा लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है और क्या ही शानदार लग रहा है। ओके सो गाइस, अब वो निकल रहे हैं अपने होटल से, इन लोगों का लगेज जल गया और यहाँ से हम जाएंगे पहले चंद्रभागा ऐसे कुछ है। तो यहाँ से हम चलेंगे चंद्रभागा बीच। अभी मैंने वेडिंग पैंट वगैरह पहना नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पे अभी। चंद्रभागा बीच यहाँ से कितना किलोमीटर है? 37 किलोमीटर है। तो पहले आज का प्लान ये है कि चंद्रभागा बीच होते हुए कोणार्क टेम्पल जाना है। कोणार्क टेम्पल से फिर ये लोग भुवनेश्वर निकल जाएंगे, एंड भुवनेश्वर तो मुझे भी जाना है, बट आज मैं भुवनेश्वर में स्टे करूँगा। कल का कुछ अलग प्लान है, कल का क्या प्लान है अलग कोई फिक्स नहीं है, बट देखते हैं जैसा होगा आपको अपडेट तो करते ही रहेंगे। तो कल का दिन हमारा बीता पूरी में, और मैंने ब्लॉग किया नहीं क्योंकि हमारे भाई लोग जो है ना, मैक्सिमम आप जो है वो तो राइडिंग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने कोई भी अंदर का ब्लॉग नहीं बनाया। इस साइड का फॉग लाइट का क्लिप भी टूट गया है, अब ये भी पता नहीं कहाँ मिलेगा और कहाँ लगवाना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं है। सो यार अभी मैंने एक्चुअली चेक करा तो बार बार जो है ना गोप्रो का पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है माइक में, जो वॉइस है ना वो आया ही नहीं यार। मैं जब से होटल से निकला ना तब से माइक में मैंने भी चेक करा, वॉइस ही नहीं आया। माइक कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है, मैंने चेक भी करा था। ओके तो ये लोग आगे निकल गए हैं, जस्ट अभी कार पार हुआ तो यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर शायद रुकेंगे, बट यहाँ पर नहीं रुकना है, शायद आगे कोई लोकेशन होगा तो हम भी करते हैं उनको फॉलो।
आई होप कि इस बार जो वॉइस है ना वो आ रहा हो यार। ये वॉइस वाला ग्लिच अगर दिक्कत देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार पूरा कंटेंट में ना, मेरी वॉइस आप सुन नहीं पाओगे, फिर बस मुझे म्यूज़िक लगा के काम चलाना पड़ेगा। अब पता नहीं कितना क्लिप ख़राब हुआ है अभी इस चक्कर में, मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि मैंने अभी सारा क्लिप रिकॉर्ड करा है, सुना नहीं है मैंने अभी क्लिप्स को। ओके तो आगे रुक गए हैं वो लोग, दिख गए हैं मेरे को। तो यहाँ पे है मेन पार्किंग, भैया बोल रहे बड़ा हैवी लग रहा है। तो भाई ये है यहाँ का मेन बीच, चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा भागा पता नहीं क्या है जो भी, चलते हैं देखते हैं, होगा तो बीच ही पता ही है, बट गर्मी लग रहा है यार। हाँ तो वहीं से ले लीजिएगा रॉयल एनफील्ड से ही, साथ साथ उसके बाद इनको भी ले घूमेंगे, इनको और कमर दर्द ठीक करवा देंगे उसके बाद। वो घर बैठे बैठे ठीक नहीं होगा, राइड करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना जैकेट और हेलमेट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो इनको कैरी करके जा पाना तो बहुत मुश्किल है। और बाकी दीदी और जिया जी बीच के पास हैं, अब इसको पहन के बीच जाना बहुत मुश्किल है, अब पानी में तो बिल्कुल नहीं। और ये देखो काजू 450 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 600-700, क्वालिटी भी सही है। तो भाई साहब इतना तेज़ धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या हाल है, लेकिन यहाँ का जो वेव है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सामने में ज़्यादा वेव आ रहा है। और यहाँ पर भी लोगों क्राउड है, ऐसा नहीं क्राउड नहीं है, आप देख सकते हो ठीक ठाक लोग यहाँ, क्राउड यहाँ पर भी है बल्कि पूरी में तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों का अच्छा खासा भीड़ है और लोग नहा भी रहे हैं। निकल रहे हैं यहाँ से चंद्रभागा बीच से, और मुझे अभी भी पता चला कि चंद्रभागा बीच ही कोणार्क बीच है, और यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोणार्क है, ये मुझे पहले नहीं पता था। बट ओवरऑल अच्छा बीच है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और राइडिंग केस पहनने के बाद भी यहाँ खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बाकी ऐसे जगहों पर हाइड्रेट रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारियल पानी पी लिया, गन्ना का जूस पी लिया, कपड़े सूख रहे हैं भाई। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कोणार्क सन टेंपल, लेकिन अब उन लोगों का कहाँ पे पार्क है कार ये नहीं पता, मुझे कहाँ पार्क करना ये भी नहीं पता। बाइक जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी नहीं पता, इसके आगे तो अब बाइक अलाउ है नहीं। बट भाई साहब उन लोगों का कार नज़र नहीं आ रहा मेरे को, बाइक तो इधर लग जाएगा। यहाँ लगा देता हूँ, तो ये है कोणार्क सन टेंपल, और यहाँ पहले टोकन कटाना पड़ता है, यहाँ से पहले टोकन लेना होगा आपको इस जगह से, एंड देन उसके बाद फिर वहाँ पे टोकन जमा करके फिर आप सामने से देख सकते हो मंदिर को। बाकी धूप इतना तेज है हम अंदर तो नहीं जा रहे, बस सामने से देखकर वापस हो जाएंगे। क्या प्यास लगा है भाई साहब? ऐसा लग रहा है कि पैर में आधा किलो जो है ना वजन लेकर, मतलब लग क्या रहा है चल ही रहा है, जो राइडिंग बूट है वो इतना वजन है ना, और इतना गर्मी में हालत ख़राब हो रहा है।
तो देखो यहाँ पे मेन गेट है और इसके बाद फिर यहाँ पे टोकन देके फिर आपको एंट्री करना है, फिर आप सामने से जाके देख सकते हैं थोड़ा सन टेम्पल को और नज़दीक से। तो भाई यहाँ पे हम जा रहे हैं मूवी देखने, ये है अर्का क्षेत्र, सन टेम्पल का हिस्ट्री के बारे में एक छोटा सा मूवी बनाया जाएगा यहाँ पे और पता चल जाएगा कि भाई क्या कहानी है सन टेम्पल का। वैसे तो नेट पे पढ़ सकते हैं लेकिन देखने में अलग मज़ा आता है, सो देखा जाए एक बार। देख लो भाई तो यहाँ पे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि अभी हमारा प्लान था भुवनेश्वर जाने का और इन लोगों का प्लान था कि भुवनेश्वर जाके टाटा के लिए निकल जाएंगे, लेकिन अब इन लोगों का प्लान बन रहा है कि फिर वापस से पूरी चलते हैं। पूरी ज़्यादा पसंद आया है, पूरी ज़्यादा पसंद आ गई है, तो इनका कहना है कि वापस से पूरी चलते हैं राधा स्वामी आश्रम पकड़ लें। और अब आज नहीं, अब कल चेकआउट होगा, इवनिंग के टाइम में ट्रेन बुक होगा इन लोगों का। तो भाई ये तो बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है, मैंने कुछ और प्लान बनाया हुआ था लेकिन अब प्लान को वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। वापस से निकल रहे हैं पूरी के लिए और अचानक से यार सब कुछ चेंज हो गया, मतलब वो है ना जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, दिल बदल गया, सब मतलब सब कुछ बदल गया अचानक से। मैं कुछ अलग प्लान कर रहा था यहाँ पे, मेरे दिमाग में कुछ अलग प्लानिंग चल रहा था कि आज भुवनेश्वर में स्टे करना है, कल कहाँ जाना है, कल क्या करना है, और अचानक से पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो गया और वापस से जा रहे पूरी। अब इसके पीछे का मेन कारण क्या है ना कि तबीयत सही नहीं है घर के लोगों का, आई थिंक भैया को भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, फूफा जी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, भाभी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, बुआ को भी लग रहा है। तो इस कारण से ओके। तो इस कारण फाइनली अब निकलना पड़ रहा है वापस से पूरी के लिए। और देखो क्या है ना कि अब अकेले रहते तो अलग प्लान चलता, लेकिन अब फैमिली जब साथ में रहता है ना तो फिर आपको सबको देख के चलना पड़ता है, यू नो, है ना। एक बार ये लेफ्ट वाले गया नहीं, उधर निकल गया, बट एक बार थोड़ा आगे से राम मार के आते हैं, लोग तो उधर है नहीं। पास लगता है क्या उधर होटल है, खाने के लिए जा सकते हैं। अच्छा खाने के लिए आ सकते हैं, मैं ऐसे में घूमने आया था। घूमने के लिए कुछ नहीं, घूमने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा ये पानी जो है समुद्र वाला ये लेक अलग से ही है, ये जो पानी है ये समुद्र का ही पानी इधर आ रहा है, समुद्र का ही पानी आ रहा है, वहां से अंदर आता है। अच्छा वहां से अंदर आ रहा है, थैंक यू। तो इधर खाने वाने के लिए कुछ है होटल वगैरह, बाकी इधर घूमने के लिए कुछ नहीं है, एंड बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, समुद्र का ही पानी है। मुझे लगा ये कि अलग से कुछ लेक हो सकता है कि खारे पानी का लेक वगैरह होगा, तो अभी जाके वॉइस आ रहा है, मतलब पूरा क्लिप बेकार हो गया पीछे वाला। मैंने 15 मिनट तक यार मैंने बात किया यार आपसे, मतलब 15 मिनट का पूरा क्लिप नहीं बनाता है, मैं उसमें कुछ कुछ चीज़ों को मैं कट कर देता, लेकिन यार पूरा बेकार चला गया यार, पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, पूरा क्लिप बेकार हो गया वो। तो देखो मैं यही बोल रहा था कि प्लान जैसा कि आप सबने देख लिया यार कि अब वापस से पूरी जाने का प्लान हो रहा है, और जब आप फैमिली के साथ रहते हो ना तो सब कुछ देखना पड़ता है, इनकेस किसी का तबीयत ख़राब हो गया और मैं भुवनेश्वर चला गया आज, मेरा जो प्लान था अगर मैं उस प्लान के साथ भुवनेश्वर चला जाऊं और किसी का तबीयत अगर ख़राब हो गया ज़्यादा तो फिर मुझे बुरा लगेगा, एंड देन हो सकता है मुझे कभी वापस लौट के आना भी पड़े फिर। तो इस कारण से जब तक साथ में फैमिली है तब तक तो साथ में रहना होगा, जब ये लोग चले जाएंगे देन फिर अपना आगे का प्लान मैं बना सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है,
तो क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया सबका, सबको ठीक फील नहीं हो रहा है कुछ मेंबर्स को, तो इस कारण से वापस फिर हम होटल जा रहे हैं। और बाकी आपने देखा मैंने उतना कुछ बोला बट कुछ साउंड ही नहीं आया रिकॉर्डिंग में। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये आई थिंक आज दूसरी तीसरी बार है जब वॉइस नहीं आ रहा है। कई सारे ऐसे क्लिप्स है जिसमें वॉइस नहीं आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये अब ये भी ख़राब हो रहा है अपना क्या नाम है इसका GoPro का एडाप्टर, या फिर माइक में इशू आ रहा है पता नहीं, लेकिन दिमाग ख़राब हो रहा है बस इतना मैं जानता हूँ। तो फाइनली पहुँच गए फिर से पूरी वाले बीच पे, और अभी देखो आने टाइम देखा होगा माहौल अपने, और जैसे तो शाम होगा ना यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है यार। भाई क्या चला रहा है यार, सीधा ऊपर।